हेलो एवरीवन, जब भी हम किसी कॉलेज को चूज़ करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉलेज की फैकल्टीज़ कैसी होंगी, कॉलेज कितना पुराना है, कॉलेज की लाइब्रेरी कैसी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे दिमाग में रहते हैं और सबसे बढ़कर सबसे पहले एक पैरामीटर जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा होगा। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए कोर्स के लिए दिल्ली एनसीआर में पांच ऐसे कॉलेजेस जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे उन कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखी हमने कि अभी जो आज के वीडियो में लोकेशन ली है वो दिल्ली एनसीआर ली है। इसका मेन रीज़न ये है कि जब भी हम कॉलेज चूज करते हैं तो उसकी लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनकी प्रायोरिटी डेफिनेटली यही रहती है कि हमको दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ इंडिया में ही कॉलेज मिले। अब ऐसा तो नहीं है कोई कॉलेज बैंगलोर में है या चेन्नई में है या हैदराबाद में है तो वो कॉलेज अच्छे नहीं हो सकते, इन कॉलेज से अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन के लिए अभी जाना फिजिबल नहीं है इतना दूर, या इतने एक्सपेंसेस करना ठीक नहीं है क्योंकि हमें अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एक्सपेंसेस करने हैं। हमारा माइंडसेट तो ऐसा ही रहता है कि आपको जो ग्रेजुएशन करनी है वो नॉमिनल फीस में की जाए ताकि जो एक्सपेंसेस मेजर होने वाले हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हम कर सकें। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने जो अभी कॉलेजेस चूज किए हैं, जो फाइव कॉलेजेस लिए हैं वो दिल्ली एनसीआर के ही लिए हैं। सो बढ़ते हैं आगे। और ये हमने बता ही दिया है कि दिल्ली एनसीआर के कॉलेज लिए हैं, उनमें एवरेज पैकेज क्या है, टॉप पैकेज क्या है, उनकी हमने बात की है। तो इस कैटेगरी में जो सबसे टॉप कॉलेज आता है वो होता है आपका शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। इसमें जो एडमिशन होता था पहले वो डी यू जेट एग्जाम हुआ करता था, उसके थ्रू हुआ करता था टिल 22। लेकिन 2022 से आपको पता ही है सी यू ई टी एग्जिस्टेंस में आ गया है और उसके बाद डी यू जेट जो एंट्रेंस एग्जाम था उसको स्क्रैप कर दिया गया है और उसके बाद जो एडमिशन होने लगा है वो आपका सी यू ई टी के बेसिस पे ही होने लगा है। तो 2022 और 2023 इन दोनों में इस कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है वो सी यू ई टी के बेसिस पे ही हुआ है। और अब जो ईयर्स आ रहे हैं उसमें भी सी यू ई टी के, यानी अब 2024 की बात करें तो इसमें जो एडमिशन होने वाला है वो सी यू ई टी के बेसिस पे ही होने वाला है। और ये कॉलेज जो है वो बी एम एस के लिए बहुत ही टॉप कॉलेज है। बीबीए और बी एम एस को हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट माना है, ज़्यादा इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है तो हम इसको इक्विवेलेंट ही मान के चल रहे हैं। एडमिशन जो होगा इसका ये गवर्नमेंट कॉलेज है और एडमिशन जो होगा इसका वो सी यू ई टी के एग्जाम से होगा, इसका अपना कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है। पहले डी यू जेट हुआ करता था जो डी यू में बी एम एस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। जैसा कि आपको पता ही है 2022 से पहले मेरिट बेसिस पे यानी परसेंटेज बेसिस पे आपका डी यू में एडमिशन हुआ करता था, लेकिन जो बी एम एस प्रोग्राम है, बी एम एस प्रोग्राम या बी बी ई प्रोग्राम या बी एफ आई ए, बी बी ई मतलब बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बी एफ आई ए का मतलब बैचलर इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये जो कोर्सेज हैं इन कोर्सेज में एडमिशन डी यू जेट के थ्रू हुआ करता था। लेकिन सी यू ई टी के आने के बाद वो एग्जाम को स्क्रैप कर दिया गया है और इसमें जो एडमिशन होने लगा है वो अब सी यू ई टी के बेसिस पे ही होने लगा है। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो सी यू ई टी तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए और आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है, वो आपके पास कोर मैथ्स भी हो सकती है और अप्लाइड मैथ भी हो सकती है, लेकिन मैथ्स कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एडमिशन जो क्राइटेरिया है वो भी क्लियर ही है, आपके पास एटलीस्ट वन लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए और जनरल टेस्ट आपको देना है। इन तीन जो सब्जेक्ट्स हैं इनके मार्क्स कैलकुलेट होंगे और इन्हीं के बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। नाउ अगर हम बात करें इसकी तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है ये। कंपनीज की बात करें तो एक्सलेंट प्लेसमेंट है, टॉप कंपनीज की बात करें तो डेलॉइट है, मैकिन्सी जो कंसल्टेंसी फर्म है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट बिग हाउसेज जो हम कह सकते हैं वो प्लेसमेंट के लिए आते हैं। यहाँ हमने हाईएस्ट पैकेज मेंशन किया है वो 44 लाख पर एनम किया है और जो एवरेज पैकेज मेंशन किया है वो 11 लाख पर एनम किया है। मेरा सजेशन ये होता है कि जब भी आप कोई कॉलेज चूज करें तो उसमें जो हाईएस्ट पैकेज होता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, आप एवरेज पैकेज को फोकस करें, क्योंकि जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो एक या दो स्टूडेंट का होता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो हाईएस्ट पैकेज हो सकता है वो किसी अब्रॉड में भी हो सकता है, किसी फॉरेन कंपनी में हो सकता है। अब जब वहाँ पे फॉरेन प्लेसमेंट होगा
तो आपको करेंसी जो मिलेगी वो आपको डॉलर्स में या उस कंट्री के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो हम उसको INR यानी इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब उतना उसको पैकेज मिलेगा तो उसके एक्सपेंसेस भी उसी टर्म्स में होंगे। तो इसका मतलब जो नेट इफेक्ट आता है वो इतना नहीं आता है जितना यहाँ पे मेंशन हमको दिखता है। अगर डोमेस्टिक पैकेज आपको 44 का अगर लिखा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन कोई भी कॉलेज हम चूज करें तो हमको फोकस जो करना होता है प्लेसमेंट के टर्म्स में वो एवरेज पैकेज में करना होता है, उसको हाईएस्ट पैकेज में नहीं करना होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो किया है वो हमने वेरियस सोर्सेज से लिया है। ऑथेंटिसिटी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी कॉलेज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं आप उनकी या तो वेबसाइट विजिट करें या फिर कैंपस विजिट करें, आप ऑथेंटिक सोर्स पे ही विजिट करें। यहाँ पे जितना हमें सोर्सेज मिल सकते थे उन सोर्सेज के लिए हमने यहाँ पे किया है। सोर्सेज के नाम तो हमने मेंशन नहीं किए, लेकिन हाँ देर आर वेरियस सोर्सेज यूज। जिन कॉलेज में मेंशन है उन कॉलेज का हमने मेंशन किया है यहाँ पे, जिन कॉलेज की वेबसाइट पे मेंशन नहीं है वो किसी और वेबसाइट से हमने लेके यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। लेकिन कंक्लूजन यही निकलेगा कि अगर हम इस कोर्स की बात करें तो ये कॉलेज नॉर्थ इंडिया में या फिर दिल्ली NCR में नंबर 1 कैटेगरी में आएगा, शहीद सुखदेव कॉलेज। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं हम, विच इज जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जिम्स रोहिणी। अब जिम्स के हमारे पास दो कैंपसेस होते हैं, एक आपका दिल्ली में रोहिणी में है और एक आपका कालकाजी में है। कालकाजी वाला इतना पॉपुलर नहीं है जितना रोहिणी वाला है। अगर हम इसकी बात करें कोर्स की तो ये कोर्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक IPU के अंडर कुछ स्टूडेंट का एडमिशन होता है और एक इसका एक ऑटोनोमस प्रोग्राम चलता है। तो IPU का आपको पता ही है, IPU CET का एग्जाम देते हैं, उसके थ्रू भी आप एक कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि दोनों बैच सेपरेट चलते हैं, एक बैच चलता है IPU वाला जो IPU के थ्रू आता है और एक ऑटोनोमस प्रोग्राम चलता है जो इसका डायरेक्ट एडमिशन रहता है। तो ये प्राइवेट कॉलेज है और नो डाउट इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है, काफी प्लेसमेंट अच्छे रहे हैं, बहुत ही बड़ा ब्रांड है और इसे काफी सारे कैंपसेज हैं इंडिया में। मेजर जो है वो नॉर्थ इंडिया में इसे कैंपसेज हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है इट इज ओवर 30 लाख। एवरेज पैकेज की बात करें तो बिटवीन 6 to 7 सभी को मिल जाता है यहाँ पे। सो लगभग ये पैकेज जो है यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो सेकंड इज जिम्स रोहिणी का कैंपस। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सिम्बायोसिस का जो मेन कैंपस है वो पुणे में है, पर यहाँ पे हम दिल्ली NCR कॉलेज की बात कर रहे हैं तो इसका जो नोएडा वाला कैंपस है हम उसी की बात कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि अगर आप पुणे से कंपेयर करेंगे तो इसके प्लेसमेंट्स काफ़ी कम है। पुणे का जो फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सपोजर है या फिर जो ब्रांड है उसे कंपेरिजन में नोएडा वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग पुणे नहीं जा सकते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत दूर जाना है, अभी ग्रेजुएशन के लिए नहीं जाना है, तो उनके लिए ये कैंपस काफ़ी अच्छा हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें जो अपना सेंट्रेंट खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है सेट का, उसी के थ्रू एडमिशन यहाँ मिलता है। सिम्बायोसिस का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है SAT करके और उसी के थ्रू यहाँ एडमिशन दिया जाता है। और नो डाउट सिम्बायोसिस इटसेल्फ इज अ ब्रांड, तो अगर आप किसी ब्रांड में एडमिशन लेते हैं तो एक थोड़ी सी वहाँ पे ट्रूथफुलनेस हमारे पास आ जाती है। जो पैकेज वहाँ पे मेंशन किया गया है वो हाईएस्ट पैकेज इज 10 लाख पर एनम जो डोमेस्टिक है, एंड एवरेज पैकेज की बात करें हम तो इट इज अराउंड 5 लाख पर एनम। तो नो डाउट इसका कैंपस भी काफी अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है एज ए ग्रुप अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं MBT यूनिवर्सिटी की। MBT यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है इन एवरीथिंग, पढ़ाई में तो है ही है, प्लेसमेंट्स में है ही है, इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे उनके लिए भी काफ़ी पॉपुलर है ये कॉलेज। इसका क्या है कि जो एज ए ग्रुप बात कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं है फैकल्टी अच्छी नहीं मिलेगी या एक्सपोजर अच्छा नहीं मिलेगा। एलुमनाई बेस काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी पुराना है और फैकल्टी जो है उनके कॉरपोरेट जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो एक्सपोजर के मामले में कहूँगा ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है। और फॉरेन प्लेसमेंट्स भी आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी होते हैं इस कॉलेज में। हाईएस्ट जो पैकेज है उन्होंने मेंशन किया हुआ है 61.75 है और डेफिनेटली ये फॉरेन प्लेसमेंट ही होगा, डोमेस्टिक तो इतना मिलना मुश्किल है। और एवरेज पैकेज की बात करें तो इट इज अराउंड 6 to 8 lakh। सो मेजर जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं वो मान के चलिए या तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या उनका जनरली फैमिली बिजनेस होता है और उनको लगता है कि हम यहाँ पे कॉलेज की थोड़ी लाइफ जी लें, थोड़ा सा एक्सपोजर हमको मिल जाए, थोड़ा सा दिल्ली की लाइफ जी लें, तो मेजरली स्टूडेंट इसमें एडमिशन इस पर्पस के लिए लेते हैं और उसके बाद वो अपने फैमिली बिजनेस को जनरली ज्वाइन कर लेते हैं। सो नो डाउट इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एक्सपोजर, कॉर्पोरेट एक्सपोजर, एलुमनाई नेटवर्क इज वेरी गुड और देयर आर मेनी अदर रीजंस टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना इसका फैकल्टी का, या फिर मैं कहूँगा बहुत अच्छा एक हिस्ट्री रही है इस कॉलेज की, तो ये भी एक रीज़न है इस कॉलेज के इतना पॉपुलर होने का।
नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करते हैं विच इज़ आई एल एम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे ग्रेटर नोएडा इटसेल्फ हमने मेंशन किया है, हालांकि इसके तीन कैंपसेज हैं, एक गुड़गांव में है, एक दिल्ली में लोधी रोड में है, और एक आपका जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। फीस वाइज बात करें तो ग्रेटर नोएडा का जो कैंपस है वो ROI काफ़ी अच्छा देता है, क्योंकि तो इसकी फीस काफ़ी कम है और काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका ग्रेटर नोएडा में। गुड़गांव और लोधी रोड में कैंपस थोड़ा छोटा है, एक बिल्डिंग ही है, लेकिन ग्रेटर नोएडा की बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो हमने इसलिए मेंशन किया है कि जो लोग थोड़ा फीस कम पे करना चाहते हैं वो इसीलिए ग्रेटर नोएडा में एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। और पैकेज जो मेंशन किया है वो हाईएस्ट 12 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज की बात करें तो इट इज़ अराउंड 8 लाख जो वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ILM इज़ ए गुड ग्रुप, इसके जो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी कॉलेजेस, ऐसा नहीं है कि एक ही कैंपस, दिल्ली को NCR में तीन कैंपसेस हैं, जयपुर में काफ़ी कैंपसेस हैं, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि दिल्ली NCR से बेटर हमको अगर जयपुर में पढ़ाई करनी है, वो भी काफ़ी सस्ती फीस में होगा क्योंकि दिल्ली में रहना भी महंगा होता है बट जयपुर में भी काफ़ी सस्ता होता है। और तो ये जो है हमने पाँच कॉलेज की बात करी है अभी, तो ऐसा नहीं है यही पाँच कॉलेज हैं, काफ़ी सारे कॉलेज हम सर्च कर सकते हैं और देर इज़ नो पैरामीटर टू जज द कॉलेज, हर किसी के अपने कंस्टेंट रहते हैं, उस अकॉर्डिंग कॉलेज चूज किया जाता है। मुझे मालूम है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कॉलेज को लेके, अभी CUT का रिजल्ट नहीं आया है, IPU का काउंसलिंग प्रोसेस चालू है, आपको डर लग रहा होगा अगर IPU में नहीं हुआ तो क्या हमें किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, लोकेशन मैटर करती है क्या, अगर हमने एडमिशन ले लिया और हमारी फीस पे कर दी है तो फीस वापस मिल सकती है क्या, हमारी IPU में इतनी रैंक आई है मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या, CUET में मैं BBA भी कर सकता हूँ, BCom भी कर सकता हूँ, पर मैं क्या चूज़ करूँ, मुझे कॉलेज अच्छा मिले, तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन जब आप 12th क्लास में होते हैं तो चलते रहते हैं। बहुत सारे रिलेटिव हमको सजेशन देते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो अपने अपने ज्ञान हमको देते हैं, तो ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना चाहिए, अगर आप ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अगर आपको डिसीजन लेना है तो लोगों से डिस्कशन कम करना पड़ेगा, यू हैव टू बी फोकस्ड, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज आपके पास नॉलेज के हैं, ट्रस्ट जो होगा आपका वो कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर ही होगा और थोड़ा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अगर ऐसा लगे कि कॉलेज कैंपस विजिट करने की ज़रूरत है तो वी वैपो करना चाहिए। कॉलेज जब हम कैंपस विजिट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें क्लियर हो जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर हमें प्रैक्टिकली दिखता है, वहाँ के स्टूडेंट से हम बात कर सकते हैं, फैकल्टी से बात कर सकते हैं, तो अगर ये भी एक्सपोजर आपको मिलता है, अगर आपको मौका मिलता है आप कॉलेज कैंपस विजिट कर सकते हैं तो ये भी आपको ज़रूर करने चाहिए। एक चीज़ और, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं, हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बहुत ही जल्दी हम आपको एक गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें जब आपकी डिटेल्स ली जाएंगी तो हम आपको बेटर काउंसलिंग इंडिविजुअली प्रोवाइड कर पाएंगे। फिर भी जब तक ये आपके एग्जाम्स के रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, जो भी एंट्रेंस एग्जाम ने दिए हैं, लोकेशन अकॉर्डिंग डाउट पूछ सकते हैं, वी विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। विश यू गुड लक, थैंक यू।